नमस्कार दोस्तों, रत्नास ट्रेनिंग पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपनी गाड़ी का गियर हम किस किस टाइम बदल सकते हैं, मतलब किस गियर में हम कितने स्पीड तक अपनी गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाड़ी हमारे फर्स्ट गियर में है अभी, और शुरू करते हैं फर्स्ट गियर से, और कौन सी गियर में कितनी स्पीड तक लेकर जानी है गाड़ी को ये हम देखेंगे। ठीक, तो गाड़ी फर्स्ट गियर में है और फर्स्ट गियर में हम लेकर जाएंगे गाड़ी को 0 से लेकर 10 तक जाएंगे फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी होती है, बस वो स्टार्ट करने के लिए होता है। तो फर्स्ट गियर में चलाकर हल्का सा रेस देकर और हमें सेकेंड गियर लगाना होता है। तो 10 तक पहुँच ही गए हैं, हम लगाएंगे सेकेंड गियर, और अब हम सेकेंड गियर में लेकर के जाएंगे गाड़ी को। देखिए गाड़ी है ना, वो अपने आप डिमांड भी करने लगती है, भारी होने लगती है, आवाज़ आने लगेगी जब वो गियर मांगेगा कि इतने गियर में इससे ज़्यादा अगर आप ज़्यादा चलाइएगा, ज़्यादा स्पीड और देने की कोशिश कीजिएगा तो गाड़ी है ना वो आवाज़ करने लगती है और भारी होने लगती है। तो आपको पता चलना चाहिए कि वहाँ पे गियर बदलना है, स्पीड पे ही डिपेंड नहीं रहना है कि स्पीड देखकर हम गियर को चेंज करेंगे। फील भी कीजिए कि हाँ गाड़ी हमारी मांग रही है स्पीड। तो हम चलेंगे अभी सेकेंड गियर में, देखते हैं। ये 20 के ऊपर गया, और 20 के ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम हम जाएंगे तो कितना, 25 के आसपास जाएं। 30 तक पहुंचते पहुंचते हमें थर्ड गियर लगा देना है। 30 के पहले ही आपको थर्ड गियर लगा देना है, 30 तक पहुंचते पहुंचते, है ना। सेकेंड गियर में 30 के आगे गाड़ी को लेकर नहीं जाना है। थर्ड गियर में गाड़ी हमारी चल रही है और हम लेकर जाएंगे ये 60 के पहले। थर्ड गियर से आपको फोर्थ गियर में लगाना होगा, ठीक है। 60 के स्पीड के पहले ही आपको फोर्थ गियर चेंज कर देना है, ठीक है। मतलब 57 तक जा सकते हैं, 55-57 तक जा सकते हैं आप थर्ड गियर में। और 60 की स्पीड से पहले ही आपको, 60 तक पहुंचते पहुंचते आपको फोर्थ गियर लगा देना है। गाड़ी भी डिमांड करने लगेगी 60 तक पहुंचते पहुंचते कि हेवी होने लगेगी गाड़ी, गाड़ी से आवाज़ आने लगेगी। तो आपको वहां पे 60 के पहले ही, 60 की स्पीड के पहले ही आपको फोर्थ गियर लगा देना चाहिए। फोर्थ गियर में फिर आप 85 तक जा सकते हैं। स्पीड की कब जरूरत पड़ती है, जब आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, मतलब एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे आपको 100 तक लिमिट होता है कि गाड़ी को रख सकते हैं 100 स्पीड तक, है ना। नहीं तो ऐसे नॉर्मली जो लोकल रोड वगैरह होता है उस पे आप नहीं स्पीड कर सकते हैं। मैक्सिमम 60 तक है या 70 तक, कहीं कहीं फ्लाई ओवर है वहाँ 70 तक होता है। और जो हाईवे होता है, जो नेशनल हाईवे है, मतलब एक्सप्रेसवे है, जैसे ताज एक्सप्रेसवे या ये कौन सा है, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ पे आपको लिमिट होता है कि 100 तक जा सकते हैं। उस पर लिखा होता है स्पीड लिमिट कार का, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आवर की स्पीड पे चल सकते हैं। तो वहाँ पे आप ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। आप वहाँ जाने के लायक जब तक होंगे तब तक आपको एक्सपीरियंस होते होते सब कुछ पता चल जाएगा, कौन से गियर में कितनी स्पीड गाड़ी को लेकर जानी है। तो आप बहुत दूर तक मत सोचिए, अभी आप सीख रहे हैं अभी, और अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं हर गियर को। तो अभी आप जब सीख रहे हो तो सेकेंड गियर, थर्ड गियर तक ही गाड़ी को चलाएं, फोर्थ गियर में भी मत लेकर के जाइए। फोर्थ गियर में भी अच्छी खासी, मतलब 60 से ऊपर जाता है फोर्थ गियर में। तो फोर्थ गियर में वैसे ही आप दिल्ली में अगर चला रहे हैं गाड़ी तो लिमिट है, स्पीड लिमिट है, 60 से ऊपर नहीं जा सकते हैं नॉर्मल रोड पे, है ना। कहीं 50 है लिमिट, कहीं 30 है, कहीं 40 है, और मैक्सिमम 60 है, मैक्सिमम 60 है। तो थर्ड गियर में 60 की स्पीड के पहले ही आपको थर्ड गियर से फोर्थ गियर में शिफ्ट कर देना है, और फोर्थ गियर में आपको लेकर के आप जा सकते हैं 60 से लेकर और 85 मैक्सिमम 90 लेके जा सकते हैं तो लेके आप जा सकते हैं। आप देख लें आपकी गाड़ी का क्या डिमांड है, गाड़ी आपकी हेवी अगर होने लगती है
आवाज़ करने लगती है तो आपको चेंज करना पड़ेगा गियर वहाँ पे। और फिफ्थ गियर में, फिफ्थ गियर की बातें क्या मैं करूँ जब आप सीख रहे हैं अभी। फिफ्थ गियर में तो नेशनल, फोर्थ और फिफ्थ गियर तो नेशनल हाईवे मतलब एक्सप्रेस वे पे काम आता है वो सारा कुछ। और अभी तो दिल्ली में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है ट्रैफिक रूल, तो आप चला ही नहीं सकते हैं 60 से ऊपर, बहुत हो गया तो 60, 55, 60, कहीं 40 है लिमिट, कहीं 30 भी है, कहीं 50 है, कहीं 60 है। तो आपको थर्ड गियर के अंदर अंदर ही गाड़ी को रखना है, फोर्थ गियर में भी नहीं चला सकते, थर्ड गियर के अंदर अंदर ही रखना है। मैक्सिमम फोर्थ गियर जा सकते हैं अगर 60 चला रहे हैं, 70 चला रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ अभी मत समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया हमारा गियर, जब कौन से गियर में कितनी स्पीड में हम गाड़ी को लेकर जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप गाड़ी को चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा गियर और स्पीड से रिलेटेड जानकारी, कौन से गियर में कितनी स्पीड में गाड़ी को चलाएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले कोई बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना भी ध्यान रखें, रोड पे चलने वाले अपने सहयोगी यात्रियों का भी ध्यान रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।